सर, शुरुआत करते हैं नए बदलाव के साथ ही। जी जो आपने बदलाव किया है जी, दिखाते हैं किसान भाइयों को कि सर ने कैसे बदलाव किया बैग टोकरी का। जी तो सर कुछ बताइए सर इसके बारे में। तो राकेश जी, अगर बैग टोकरी की बात करें, पहला जो मॉडल था मूंगफली निकालने वाला, हाँ, वो साइड के अंदर डोली थी, लेकिन ये 2023 के अंदर ये पीछे डोली लगाई। पीछे डोली में ड्यूपेक्स चैन और इसकी काफी लंबाई लंबी और रिवर्स गियर के साथ में, ये देखो। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हो कि इस मशीन के अंदर सबसे बढ़िया जो सुविधा लगी है मेरे को भी, वो लगी है बैक टोकरी। इसके अलावा जो सर ने गियर बॉक्स लगाया हुआ है जी, बहुत ही शानदार सिस्टम किया सर आपने। मान लीजिए कभी कोई दिक्कत आए, कोई चारा फंस जाए या गीला माल ज्यादा डाल दे कोई किसान, तो उसके लिए सुविधा बहुत अच्छी है सर। देखो, वो ऐसी तो आती नहीं, लेकिन किसानों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ये गियर का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। सर इसके अलावा बात करें अपन इस मशीन में जी, जो पहले के मुकाबले जो मशीन आपने बनाई है, जो रास्ते में मशीन चलती है जी, तो साइड टोकरी में दिक्कत आती है पलटी खाने की जी। सर इस मशीन में ऐसी दिक्कत तो आने वाली नहीं देखो, है। देखो, इसमें कोई पलटी खाने वाला और जो बैलेंस से बाहर हो ऐसा कोई भी सिस्टम इसके अंदर नहीं है। और जैसे चलना है इसका, दूसरी साइड में घूमता है और दूसरी मशीन से जितनी उसकी चौड़ाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। और राकेश जी, एक और बात बता दूं, हाँ सर, ये डबल जारने के अंदर मशीन है, डबल चालने के। हाँ, बदल एक तो चलना वो हो गया, दूसरा ये मिट्टी अलग निकालेगा, ये अच्छा। पीछे चालना दिया गया है, ये मिट्टी भी अलग करेगा, चारे के अंदर मिट्टी नहीं जाएगी। किसान भाई, आप देख सकते हो कि सर ने जो बदलाव किया है वो डबल चालने के अंदर भी किया है, इसके अलावा गारा मिट्टी जिसे बोलते हैं साइड से निकालने का एक सिस्टम लगाया हुआ, ताकि जो मिट्टी हो अपने माल में नहीं आए वो साइड में निकल जाए जी। सर इसके अलावा बात करिए सूखी मूंगफली जो किसान भाई निकालते हैं जी, एक घंटे के अंदर क्या एवरेज सर इसका? देखो जी, 8 क्विंटल से लेके 15 क्विंटल तक ये घंटे के अंदर निकालेगा। बाकी अगर राजस्थान हमारे ये बिल्कुल बॉर्डर पे सटा हुआ है, घंटे में 2 से 3 बीघे तक निकालने की इसकी कैपेसिटी है माल की। ये पीछे का जो सिस्टम साइड में जो सिस्टम देख पा रहे हैं जी सर, ये किस काम में आता सर ये? देखो, ये तो चलना है ना, अच्छा। ये जो भूसे को बाहर फेंकेगा और मूंगफली नीचे जर जाएगी, और उस साइड में जो पतनाला लगा है, पतनाले में मूंगफली नीचे एलिवेटर में आएगी और एलिवेटर के माध्यम से वो ट्रॉली में। सर इसमें हवा कंट्रोल का सिस्टम भी आता है सर? हवा कंट्रोल इसका दूसरी साइड में लगा हुआ है, वो आपको बताते हैं जी। सर इसके अलावा बात करें कि आपने पूरी मशीन को बिल्कुल अलग तरीके से बनाया हुआ है, काफी मशीन दिखने में शानदार दिख रही है जी, लेकिन सीढ़ी लगाने का क्या मतलब है सर मशीन? देखो, ड्रम जाल चेंज करने के लिए थ्रेसर के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो जो जंग है लड़के वो तो चढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़े से ज्यादा वो कई बार तो वो दिक्कत आती है, कहीं पैर ना फिसल जाए, उसकी किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ये सीडी इसके अंदर लगाई है। सर मैं ये पढ़ पा रहा हूँ आपकी मशीन के ऊपर जो टैगलाइन है जी, जो आजकल किसानों की पहली पसंद बनी हुई है कि थ्रेसर मतलब एनवीटी जी, ये जो टैगलाइन आपकी किसानों ने दी है जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं एक बार क्या था, ये जयपुर में किसी चौपाल होटल में नजदीकी रुका हुआ था, अच्छा। तो वहाँ काफी किसान बैठे हुए थे 20-30, और एक बड़ी स्क्रीन चल रही थी, और स्क्रीन पे जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आई तो वहाँ लिखा था वाशिंग पाउडर निर्मा, तो मैं देख ही रहा था, सभी लोग देख रहे थे, और जब दूसरी लाइन आई तो उसके नीचे आया ठंडा, मतलब कोका कोला। लेकिन जब तीसरी लाइन स्क्रीन पर आई तो मेरे पैरों नीचे भी जमीन खिसक गई, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ आया थ्रेसर मतलब एनवीटी। अच्छा, तो उसी दिन हमने इस पर लिखना भी चालू कर दिया। ये तो 2 साल से किसानों के अंदर बनी हुई बात है, थ्रेसर मतलब एनवीटी, मल्टीक्रॉप थ्रेसर मतलब एनवीटी, और एनवीटी ही एनवीटी, तो फिर हमने ये टेक लाइन इस पे ऊपर लगा दिया, थ्रेसर मतलब एनवीटी। सर बात करते हैं इस मशीन के अंदर एलिवेटर के बारे में जी। किसान कहते हैं कि सर ये जो एलिवेटर की साइज होती है मूंगफली वाले में जी, वो थोड़ी चौड़ी ज्यादा होती है क्योंकि मूंगफली बड़ी होती है साइज में जी। सर कोई प्रावधान किया है क्या आपने फोल्डिंग सिस्टम का? देखो, एलिवेटर जो है इसका बड़ा है, अच्छा। और अगर इसके ये बात करें एलिवेटर फोल्डिंग की, अच्छा। ये देखो इसका एलिवेटर फोल्डिंग है, अच्छा। जैसे ही एलिवेटर को फोल्ड करते हैं, ये ऑन रोड के ऊपर झाड़ियों कीकरों के अंदर ये साथ में टकरने की शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी ये जो है थ्रेशर से बाहर नहीं है, अच्छा। और ये फोल्डिंग सिस्टम कर दिया, और ये 1 फुट मशीन जो संकड़ी हो गई, ताकि हाँ ताकि जो है उबड़ खबड़ रस्तों के अंदर, संकड़े रस्तों के अंदर इसको टकराने की शिकायत ना रहे।
और सर बात करते हैं, जब किसान मूंगफली निकालता है जी तो उसको मूंगफली भूसे में जाने की कभी कभी शिकायत आ जाती है कि जी किसान भाई सोचते हैं कि सर नई मशीन है जी, कभी कभी क्या सेटिंग होके भी नहीं जाती है जी, हवा की ओनली हवा की जी। तो किसान भाइयों को समझाइए आपकी सर हवा कंट्रोल कहाँ से करेगी। ये इसका ढक्कन खोले, ढक्कन खोल के नीचे इसके हैंडल लगा हुआ है, बिल्कुल लगा। अगर हैंडल को ऊपर करेंगे तो पंखे का मुंह ज्यादा खुलेगा, अच्छा। अगर हैंडल को नीचे करेंगे तो पंखे का मुंह है जो संकड़ा हो जाएगा। लेकिन किसान जो है जाली के ऊपर आदि और आदि चादर के ऊपर हवा लगे वहाँ इसकी सेटिंग कर ले, ना तो मूंगफली उड़ाएगी और ना ही मूंगफली में चारा आएगा। सर इसके अलावा बात करें, एक हैंडल आपने यहाँ भी लगाया हुआ जी, सर इसका क्या मतलब है? देखो इस हैंडल को अगर यहाँ से हवा की ब्रेक देंगे तो पीछे हवा का प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो पीछे आपने एक पंखा लगाया हुआ है जी, जो टोकरी में अगर अपन किसान में माल डालता है जो मिट्टी उससे उड़ती है जी, उसको दूर करने के लिए ये सिस्टम किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार सिस्टम किया हुआ। और सर इसमें बंद करने का ऑप्शन भी लगाया हुआ है? हाँ, इसको यहाँ जितना मर्जी कम कर लो, ज्यादा कर लो, कई बार क्या होता है कि मिट्टी होती नहीं, उड़ती नहीं, तो फिर इसका क्यों वो रखें। सर ये फोल्डिंग व्हील के बारे में अगर बात करें, मशीन के बारे में जी, इसमें कितने व्हील लगाए हुए हैं आपने? ये डबल व्हील के अंदर है, डबल दोनों साइडों में एक एक व्हील लगा हुआ है, और इसके ड्रम के अंदर आधे ब्लेड हैं और आधी पत्तियां इसके अंदर लगी हुई है, ताकि जो है थोड़ी बहुत नमी वाली भी मूंगफली को निकाल सके। नमी का मतलब अगर पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे आधा टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, वैसा गिल्ला माल ग्राउंड नेट जो है मल्टीक्रॉप बैग टोकरी के अंदर निकाला जाएगा। सर एक और बात है मेरे दिमाग में जी, बहुत से किसान सोचते हैं कि सर मूंगफली वाले किस्म के लिए मूंगफली निकलती है या कुछ और भी निकलता? देखो मूंगफली निकल जाएगी, मूंग उड़द निकल जाएगा, चना निकल जाएगा, सोयाबीन निकल जाएगा, मटर निकल जाएगा, बाकी जो है किसान भाई जो भी क्रॉप निकालना चाहता है इसका ड्रम चेंज करके निकाल सकता है। कहने का मतलब ड्रम जाल निकालने का ऑप्शन है इसमें? हाँ बिल्कुल, किसान ड्रम जाल चेंज करके बिल्कुल फसल निकाल सकता है। बिल्कुल सर, इसके अलावा बात करें कि आज आपकी NVT कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर सब्सिडी अप्रूव्ड तो है ही जी, इसके अलावा आपने पहली बार अपनी कंपनी को फाइनेंस सुविधा के अंदर भी प्रोवाइड किया हुआ है। देखो किया हुआ पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे तो भारत उसके के बारे अंदर में थोड़ी जानकारी दीजिए किसान जो भाई। अगर सब्सिडी या लोन की बात करें तो किसान जो है अपना आधार कार्ड से बैंक में सिविल चेक करवा करके और 72 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसान इस पर 50% तक लोन पास करवा सकते हैं। कहने का मतलब सर का ये कि जो किसानों ने पहले से फाइनेंस पे कुछ आइटम उठा रखा है जी, उनकी सिविल अच्छी है तो उनको मात्र 72 घंटे के अंदर, केवल 72 घंटे बैंक से मशीन फाइनेंस हो जाएगी जी। सर कितने परसेंट फाइनेंस सुविधा मिल सकती है सर इसके? देखो इसमें 50% से लेकर के 75% तक, लेकिन हमारा ये नया है 50% तक हमने काफी लोन करवाए हैं। अच्छा जी सर, ऑल ओवर बात हो गई मशीन की, संपूर्ण तरीके से आपने समझाया किसान भाइयों को जी किस प्रकार आपको सेटिंग करनी है जी, किस प्रकार आपको चलाना है जी, सब कुछ मेरे को समझ में आ गया सर। मशीन बहुत ही शानदार तरीके से आपने बनाई है जी। अब बात आती है कि सर ये कितने HP ट्रैक्टर के ऊपर ऑपरेट होने वाली है? देखो कम से कम 35 HP का ट्रैक्टर इसमें जरूरी है, दूसरी मशीन की अपेक्षा इसमें डीजल है वो ट्रैक्टर में कम खाएगा। अच्छा। क्योंकि इसके नीचे भी गियर बक्सा लग गया। अच्छा, उसमें गियर बक्सा नहीं था, इसमें नीचे भी गियर बक्सा लग गया, वो तो रिवर्स फॉरवर्ड है ही है। हाँ, बिल्कुल लेकिन है। नीचे गियर बक्सा लग गया। अच्छा। ट्रैक्टर पे बिल्कुल ही लोड कम पड़ता है, ये मान के चले कि घंटे के अंदर दूसरी मशीन से 400 ग्राम डीजल कम खाएगा ग्राउंड नेट बैक टोकरी के। जो अपनी बैक टोकरी मशीन आती है सेम टू सेम वही गियर बॉक्स आपने इसमें लगाया हुआ है? जी जी बिल्कुल, मल्टीक्रो बैक टोकरी सिस्टम वही लगाया हुआ है, ताकि ट्रैक्टर पे लोड कम आए और एवरेज ज्यादा निकले। बिल्कुल लोड कम पड़ता है इसको। तो किसान भाइयों ये 2023 के अंदर जो सर ने मॉडल निकाला है बहुत ही एंटिक फीचर के साथ कंपनी ने इसको लॉन्च किया हुआ है, ग्राउंड लेवल पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसान भाइयों को खरीदना चाहे स्क्रीन के ऊपर आपको जो नंबर दिख रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, सर से मिल सकते हो, यहाँ आके मशीन खरीद सकते हो। इसके अलावा सर के जो डीलर हैं उनके नंबर आपको मिल जाएंगे, उनसे आप बात कर सकते हो, नज़दीकी डीलर के पास जाके अपना आधार कार्ड दिखा के भी आप इसके ऊपर फाइनेंस की सुविधा ले सकते हो। बिल्कुल, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।